हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। इसके पहले मैं 32-33 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिल्कुल चैप्टर वाइज। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप देखिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आज का दोस्तों जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य पढ़ने से पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको भक्ति आंदोलन पूरा कंप्लीट करा दिया था और उसके पहले सूफी आंदोलन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। तो क्या था विजयनगर साम्राज्य और क्यों इस टॉपिक में आ गया विजयनगर साम्राज्य, इसको पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वो दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था, तो दिल्ली सल्तनत में प्रमुख चार वंश आए थे, ठीक है। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य जो है वो भी चार वंश यहाँ पे राज किए थे। तो अगर उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसको आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताया था, गुल खिले तुम शायद लोगे। ये चार जो शब्द लिखे हुए हैं ये ट्रिक है दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए। तो जैसे गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तुम से हो जाएगा तुगलक वंश, और शायद से हो जाएगा सैयद वंश, और लोगों से हो जाएगा लोदी वंश। और लोदी वंश यानी 1526 ईस्वी के बाद शुरू हो जाता है मुगल वंश, यानी इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर यहाँ पे भारत में नींव डालता है, किसका? मुगल वंश का, ठीक है। इसी के बीच में जब तुगलक वंश चल रहा था तो उस समय शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत के दो राज्य जो साउथ इंडिया से टूटकर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे, एक था बहमनी साम्राज्य और एक था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। बहमनी साम्राज्य तो जो था वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था और विजयनगर साम्राज्य जो था वो हिंदू बाहुल्य एरिया था, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि दिल्ली सल्तनत में चार प्रमुख वंशों ने राज किया था, जैसे गुलाम वंश में बहुत सारे आए राजा, फिर खिलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने शासन किया, फिर सैयद वंश ने और फिर लोदी वंश ने शासन किया। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य जो था, इस विजयनगर साम्राज्य को ढेर सारे वंशों ने राज किया था। जैसे यहाँ ट्रिक से आप समझे हैं, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य को हम लोग वंशों को जानने का ट्रिक यहाँ पे लिख दिए हैं, और ट्रिक है संगम सतुआ, ठीक है, याद हो जाएगा संगम सतुआ। सतुआ जानते हैं ना, देहात एरिया में पहले नहीं कुछ रहता था तो सतुआ ही आदमी खा लेता था, है ना। तो सतुआ यानी संगम सतुआ। तो देखो पहला जो वंश विजयनगर साम्राज्य पर आया था वो है संगम वंश। यह 1336 से 1485 तक विजयनगर साम्राज्य पे राज किया। और फिर दूसरा जो वंश आया था वो सालू वंश था, जो 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक रहा। फिर तीसरा जो था वो तुलु वंश था, यानी कि स, देखो संगम से संगम वंश, स से सालू वंश और तू से तुलु वंश। तो तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक रहा, और आ से हो जाएगा आरविडु वंश, जो 1570 से 1650 ईस्वी तक हो जाएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत में चार राजवंशों ने राज किया था, ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य पर इन चार वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पे राज किया था। तो आप अगर इससे इसका रिलेशन जोड़ के देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो कैसे विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ और कैसे बहमनी साम्राज्य अलग हुआ, और कैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। तो ये विजयनगर साम्राज्य क्या था? तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, जब इसका शासन चल रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक चूंकि इस दिल्ली एरिया में रहता था और ये सारा राज्य इसके अधीन था, ये टोटल का टोटल, तो इसने क्या किया था
कि मुहम्मद बिन तुगलक ने समय में बहमनी राज्य अलग हो गया था और विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया था। कैसे हो गया था कि मुहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपनी सेना भेजा और वहाँ पर दो व्यक्ति रहते थे और उनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य का जो साम्राज्य है उसको जीत का शहर कहा जाता है। कैसे जीत का शहर कहा गया, देखिए वहाँ पर हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई रहते थे, हरिहर और बुक्का। इनके पिता का नाम संगम था। तो हरिहर और बुक्का जो थे माना जाता है कि सामंत के काकतीय, जो काकतीय वंश था इधर उसी के ये सामंत थे। बाद में यह जो है जब यह हमला करता है मुहम्मद बिन तुगलक तो यह बाद में कंफिली राज्य के क्या हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं। और 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक कंफिली को जीत लेता है और जीतने के बाद हरिहर और बुक्का को यहाँ से पकड़ के उठा लाता है, कहाँ पे, दिल्ली में लेके आता है और उनको बंदी बना देता है। और बंदी बनाने के बाद वो मतलब हरिहर और बुक्का ने देखा कि अब बंदी हो गए हैं तो अब क्या करें, तो करने का यह मौका मिला कि हरिहर और बुक्का ने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कहाँ पे, दिल्ली में। यानी मुहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का दोनों भाई जो थे वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। तो जब इस्लाम धर्म कबूल कर लिए तो मुहम्मद बिन तुगलक इतना बड़ा बैल था कि इसी हरिहर बुक्का को फिर भेजा विजयनगर साम्राज्य को जीतने के लिए। ठीक है, बताओ जिसको पकड़ के ले गया है उसी को कह रहा है विजयनगर साम्राज्य को जो है जीतो। जब हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य में आते हैं तो उनका एक विद्यारण्य, एक गुरु होते हैं, उनके मतलब समझाने से या विचारों से इसने हिंदू धर्म फिर अपना लिया। क्या अपना लिया, हिंदू धर्म अपना लिया। बढ़िया था, यहाँ गया पकड़ा गया तो इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर वहाँ से आ गया या विजयनगर साम्राज्य, जब वहाँ से वो भेजा मोहम्मद बिन तुगलक, बैला था, एक नंबर का बैल था। नोटबंदी कर दिया था और बहुत सारा जितनी योजनाएं लाया था, अच्छी योजनाएं थी लेकिन सब में पनौती था ही मोहम्मद बिन तुगलक। भेजा तो विजयनगर साम्राज्य में जाके इसने हिंदू धर्म अपना लिया और क्या कर लिया, संगम वंश का नींव डाल दिया। और यही संगम वंश अपने पिता के नाम पर इसने इस वंश का नाम रख दिया संगम वंश। तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखो विजयनगर साम्राज्य जो था यह, इसका पहले परिवेश समझ लो। ये देखो ये है कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी है। ये जो ऐसे ऐसे बना ना ये रो, ये कृष्णा नदी है और यह जो है तुंग भद्रा नदी है। तो विजयनगर साम्राज्य हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और बहमनी साम्राज्य जो था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। विजयनगर साम्राज्य पहले कर्नाटक से शुरू हुआ, धीरे धीरे इसने पूरे साउथ इंडिया में अपना वर्चस्व बना लिया। तो इसके पास नीचे जीतने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि इधर जो है हिंद महासागर है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इसके लिए ऊपर ही विजय युद्ध करना मतलब अनिवार्य था। और जो बहमनी साम्राज्य था ये ऊपर युद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि इस एरिया में दिल्ली सल्तनत का प्रभुत्व था, ज़्यादा साम्राज्य था और शक्तिशाली था दिल्ली सल्तनत, तो इधर ये नहीं युद्ध कर सकता था, इसलिए ये भी इधर ही बढ़ना चाहता था। इसीलिए बहमनी साम्राज्य से और विजयनगर साम्राज्य से हमेशा युद्ध होता रहता था। उन्हीं युद्धों के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और युद्ध किस लिए होता था, यह कृष्णा नदी और तुंग भद्रा नदी के बीच में ये जो खाली जगह था जिसको दोआब बोला जाता था। क्या बोला जाता था, दोआब। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का स्थान। तो यह इधर कृष्णा नदी और इधर तुंग भद्रा नदी और बीच में था दोआब क्षेत्र। तो दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है वो बहुत अधिक उपजाऊ माना जाता है। तो इस उपजाऊ जमीन के लिए हमेशा इन दोनों में युद्ध मतलब हमेशा जो है युद्ध की कंडीशन बना रहता था, युद्ध भी होता रहता था। और यह युद्ध जो है था खानदानी युद्ध हो गया और लगभग 200 सालों तक यह युद्ध चला था। बाद में विजयनगर साम्राज्य ही इस पे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। और इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य जो है इधर का एरिया पूरा अपने कब्जे में कर लेता है। और उधर दूसरा जो हम लोग वीडियो जानेंगे वो बहमनी साम्राज्य के विषय में जानेंगे।
तो ये एक वीडियो था जो आपको समझने के लिए था कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पे अलग होता है और बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। जिस समय इधर दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, उसी के समय में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य अलग हो जाता है और इधर आते लोदी वंश के बाद मुगल वंश आ जाता है। तो मुगल वंश को यहीं थोड़ा सा स्टॉप दे देते हैं, क्योंकि मुगल वंश पढ़ाने लगेंगे तो लंबा चैप्टर है। इसी के बीच में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पढ़ना था, और इसके पहले मैंने आपको भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन पढ़ाया था। और जब यह विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट कर देंगे और बहमनी साम्राज्य कंप्लीट कर देंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। ठीक है, तो एक बीच का टॉपिक है जो साउथ इंडिया के इतिहास को छोड़ दिया जाता है, उसको इसी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगला जो वीडियो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संगम वंश के विषय में। किसके विषय में? संगम वंश के विषय में, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य को यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया था कि चार वंशों ने यहाँ पे क्या किया था, राज किया था। संगम सतुआ के नाम से याद रख लेंगे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में, एक नंबर का संगम वंश, जो 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पे क्या किया था, राज किया था। तो यह अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था विजयनगर साम्राज्य की भूमिका बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।